नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका जेबी भटाई चैनल में स्वागत है। दोस्तों वन डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वन हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, वन किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, दोस्तों बड़ी ही कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों यही है आज के हमारे वीडियो। आज की वीडियो देखने के बाद आपको मेजरमेंट को लेकर लेंथ की कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो, एरिया की कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो, वॉल्यूम की कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आज के बाद आपको यूनिट्स को लेकर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों आप इस टेक्निक की मदद से, जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस टेक्निक की मदद से आप खुद ही कन्वर्जन करना, अपने आप ही उस चीज़ को डेवलप करना सीख जाएंगे कि कैसे कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है हमारा माइरिया, ठीक है दोस्तों। ये यूनिट जनरली लोगों ने कम सुनी होगी, माइरिया, ठीक है, बट ये होती है दोस्तों। अगला आता है हमारा केएम, दोस्तों क्या हुआ, किलोमीटर, माइरिया किलोमीटर। देन एच एम दोस्तों हुआ दोस्तों हेक्टोमीटर। देन DAM डेका मीटर। देन M दोस्तों मीटर। देन DM दोस्तों डेसीमीटर। देन CM दोस्तों सेंटीमीटर। देन MM दोस्तों मिलीमीटर। तो जनरली दोस्तों जब कन्वर्जन आता है तो हमें इन यूनिट्स का सामना करना पड़ता है कन्वर्जन करने के लिए। अब देखिए दोस्तों आगे माइरे के नीचे हम लिख दिया 1, किलोमीटर में 10 आगे बढ़ जाएगा, इसमें 10 और आगे बढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों 2। 1 10 बड़ा 10, 10 की पावर 2, आगे दोस्तों 10 की पावर 3, आगे 10 की पावर 4, आगे 10 की पावर 5, आगे 10 की पावर 6 और लास्ट में 10 की पावर 7, ठीक है दोस्तों। ये तो सिंपल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको अगर कन्वर्ट करना है, सपोज हेक्टोमीटर है, ये है मीटर, अगर आपको पता करना है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो देखिए हेक्टोमीटर से दोस्तों ये मीटर जो है 2 प्लेस आगे है, हेक्टोमीटर से मीटर 2 प्लेस आगे, 1 प्लेस और 1 प्लेस ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जितने प्लेस वो आगे होगा उतने 0 लगा देंगे 1 के आगे। आपने लिखा 1 और जितना प्लेस आगे आगे जा रहा है वो उतने 0 आपने लगा दिए, यानी कि 1 हेक्टोमीटर में दोस्तों 100 मीटर हो गए, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपको पता करना है 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो दोस्तों यहां लिखा 1 DAM डेकामीटर, हमें पता करना है 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 हमने यहां लिखा और देखा सेंटीमीटर कितना आगे डेकामीटर से, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो आपने 30 लगा दिए। आगे लिख दिया हमने CM मतलब सेंटीमीटर, मतलब 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर आपको रिवर्स में जाना हो दोस्तों, ठीक है ना, रिवर्स में जाना हो, सपोज आपको पता करना है कि 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर अगर दोस्तों आपको रिवर्स में जाना है तो आप देखिए कितना प्लेस पीछे जा रहा है, 2 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी कि जब ये पीछे जाएगा तो वही 0 आपके अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट में लग जाएंगे, मतलब ऊपर आप लिखेंगे खाली 1 और इससे 2 प्लेस पीछे जा रहा है, तो यानी 1 और 2 0 आपने यहाँ लगा दिए, यानी कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 डेका मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 डेका मीटर। इस तरीके से आप दोस्तों यूनिट को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर आपको समस्या ये आ रही होगी कि ये हमें याद कैसे हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ अब, उस टेक्निक से आपको ये ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है और आप खुद ही इसको डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, आपको सिर्फ क्या करना है, जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं इनके सिर्फ पहले अल्फ़ाबेट्स को आपको नोट करना है, 3-3 के पेयर में। देखिए कैसे, पहला अल्फाबेट इसका एम है दोस्तों, तो हमने यहाँ लिखा एम, ठीक है ना। इसका जो पहला अल्फाबेट है वो के है, तो यहाँ लिखा के। इसका जो पहला अल्फाबेट है वो है एच है दोस्तों, तो 3-3 के पेयर हो गए, एम के एच, ठीक है ना। अब आगे देखिए डी, फिर एम और फिर ये डी, डी एम डी, फिर लास्ट में सी और ये एम,
तो दोस्तों ये क्या हुआ, माइरिया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब दोस्तों आपको कैसे याद होगा, देखिए हमेशा क्या बनाया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं डीएमडीसीएम। देखिए मैं कौन हूं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। डीएमडी दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती है उसमें एक पोस्ट होती है डीएमडी की, यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। तो मैं कौन हूं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ मिनिस्टर। तो इससे आपको कैसे याद होगा दोस्तों, मैं से माहिरिया, के से किलोमीटर और एच से हेक्टोमीटर। क्योंकि दोस्तों हमें यूनिट के नाम तो जनरली पता होते ही हैं कि हेक्टोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो यूनिट्स का नाम रिकॉग्नाइज करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बट हमें इसका जो ऑर्डर है उसको याद करने में दिक्कत होती है, तो आप इसको इस टेक्निक से उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मैं कौन हूं से माइरिया, के से आपके माइंड में किलोमीटर ही आएगा दोस्तों, एच से दोस्तों आपके माइंड में हेक्टोमीटर ही आएगा, डी, अब देखिए दोस्तों एक डी यहां पर हुआ और एक डी यहां पर हुआ, तो ये जो पहला डी है वो होता है डे का, ठीक है दोस्तों, और जो अगला डी है वो है डेसी, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि पहले ये वाला आएगा कि पहले ये वाला आएगा, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा डेकामीटर का जो लास्ट अल्फाबेट है वो ए है, ठीक है ना, और डेसीमीटर का जो लास्ट अल्फाबेट है वो आई है, यानी कि ए आई से पहले आता है, तो ए आई से पहले आता है इसलिए डेका पहले आएगा और डेसी बाद में आएगा। तो डेकामीटर हो गया और ये डेसीमीटर हो गया, और बीच में दोस्तों क्या हुआ, एम, एम फॉर मीटर, ये तो सबको पता ही होता है। आगे देखिए ये सी, सी दोस्तों क्या हो गया, सेंटीमीटर, सी एम, है ना, और एम दोस्तों क्या हो गया, मिलीमीटर। अब दोस्तों कन्फ्यूजन इस एम को लेके और इस एम को लेके हो सकता है, तो पहला जो एम है वो है मीटर और दूसरा जो लास्ट वाला एम है वो है मिलीमीटर। तो दोस्तों ऐसे ध्यान में आप रख सकते हैं कि मीटर लास्ट में हमें मिली, मीटर हमें लास्ट में मिली, तो लास्ट यानी कि जो इस पर्टिकुलर केस में सबसे छोटी यूनिट हो गई उसमें हमें मीटर मिली, यानी लास्ट में मिली, यानी कि बाद में मिली, तो मिली मीटर। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाला मिलीमीटर ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब देखिए मैं आपको एक बार और इसको समझा दूं, जैसे के है, जैसे के यानी कि किलोमीटर, आपको पता करना है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि एक दो तीन, यानी तीन प्लेस मूव करेगा तो मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि वन के आगे आपने तीन जीरो लगा दिए तो ये मीटर आ गया, यानी कि एक किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों मैं कौन हूँ डीएमडी सीएम की मदद से आप यूनिट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका इंप्लीमेंटेशन एरिया और वॉल्यूम में कैसे होगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपको इसका इंप्लीमेंटेशन एरिया और वॉल्यूम में करना है, तो देखिए दोस्तों एरिया में जो यूनिट होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, लाइक दैट, और वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर इस फॉर्म में होती है। तो पहले हम एरिया के एस्पेक्ट में समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों वन मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर इसी को हम एरिया के टर्म्स में दोस्तों रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों साइड का जब स्क्वायर होगा दोस्तों, तो आप देखिएगा ये हो गया वन स्क्वायर मीटर, वन स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब वन स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां आपको एरिया वाली बात आएगी दोस्तों, तो दोनों पार्ट का आप दोनों साइड में आप स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार अगर वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों वॉल्यूम में क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम में दोस्तों होता है क्यूब, वॉल्यूम में क्या होता है दोस्तों, क्यूब होता है। मतलब अगर आपको पता करना है वन क्यूबिक मीटर, जैसे हमने यहां लिखा वन क्यूबिक मीटर, वन क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक डेसीमीटर होंगे, तो दोस्तों इससे एक प्लेस आ गया ना, यानी कि 10 एक प्लेस आ गया, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन इसका आप एक क्यूबिक करना है क्योंकि हमें इसमें वॉल्यूम के यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो क्यूबिक के केस में दोस्तों इसका आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। तो डीएम तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10^3 यानी कि 1, 2, 3 क्यूबिक डीएम, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक डेसी मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेंथ के यूनिट का कन्वर्जन करना हो, या एरिया के यूनिट का कन्वर्जन करना हो, या आपको वॉल्यूम के यूनिट का कन्वर्जन करना हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको रटने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, मैं कौन हूँ डीएमडी सीएम, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं उनसे ही उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो का आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।